त्वरण और वेग, एक रेखीय असमान और एक समान गति भिन्न गति से जाने वाली कार के चाल में परिवर्तन आता है। तेज गति से दौड़ने वाला खिलाड़ी, ये सारे एक रेखीय असमान गति के उदाहरण हैं। हम एक रेखीय एक समान गति के बारे में वेग समय आलेख के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई वस्तु विभिन्न चाल से समय के विभिन्न अंतराल में चलती है तब उसे एक रेखीय असमान गति कहा जाता है। इस आलेख में हम पाएंगे कि पहले 30 सेकंडों के लिए चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, जो कुछ समय बाद बढ़ जाती है, और 30 से 40 सेकंडों के बीच में चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, जो समय के गुजरने के साथ साथ कम या ज्यादा होती रहती है। एक रेखीय एक समान गति में वस्तु की चाल पूरे 120 सेकंडों के सफर के दौरान स्थिर है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड है। सीधे रास्ते पर स्थिर चाल से जाने वाली कार, स्थिर चाल से जाने वाला जहाज या फिर हवाई जहाज एक रेखीय एक समान गति के उदाहरण हैं। एक समान वृत्ताकार गति खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भौंरा, पीसने की चक्की, धरती के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह, छत के पंखे के गोल गोल घूमते पतवार, रस्सी से बंधा हुआ पत्थर जिसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, वक्राकार रास्ते से घूमती हुई कार, मशीन के अंदर घूमते हुए गियर्स, गोल घूमता हुआ हमारा हाथ, ये सारे एक समान वृत्ताकार गति के उदाहरण हैं। भौतिकी विज्ञान में वृत्ताकार गति का अर्थ है किसी भी वस्तु का वृत्त के परिधि के साथ में जाना या फिर गोलाकार मार्ग पर की हुई परिक्रमा। वो परिक्रमा के स्थिर कोणीय अनुपात और स्थिर चाल के कारण एक समान हो सकती है या फिर परिक्रमा के अनुपात में परिवर्तन के कारण असमान भी हो सकती है। एक समान वृत्ताकार गति किसी भी वस्तु की उस गति का वर्णन करती है जिसमें वो वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है। चूंकि यह वस्तु वृत्ताकार गति बताता है, इसी कारण हर समय परिक्रमा का अक्ष से अंतर समान रहता है। भले ही वस्तु की चाल स्थिर हो परंतु उसका वेग स्थिर नहीं होता है। वेग आदिश परिमाण होता है, इसलिए वो वस्तु की चाल और सफर की दिशा पर भी निर्भर करता है। वेग में परिवर्तन त्वरण होने का द्योतक है। चूंकि वस्तु वृत्ताकार घूमती है, इसी कारण वो बार बार दिशा बदलती है। इस सभी प्रसंगों में वस्तु वृत्त के स्पर्श रेखा को छूती हुई जाती है। इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं जब कंचों के वृत्ताकार गति में बाह्य अवरोध को निकाला जाता है, पीसने के चक्के में से चिंगारी छूटती है, साइकिल के घूमते हुए पहिए पर पानी डाला जाता है। क्योंकि वेग की दिशा जो आदिश है वो वस्तु के दिशा के समान है। वेग सदिश भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर है। वो वस्तु जो वृत्ताकार पथ में घूम रही है वो त्वरित गति में होती है। त्वरित वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अपना वेग, फिर वो चाल भी हो सकती है, अर्थात वेग सदिश का परिमाण या फिर दिशा बदलती है। वो वस्तु जो एक समान वृत्ताकार गति से घूमती हो वो स्थिर चाल में रहती है, फिर भी उसकी दिशा बदलती है, इसीलिए वो वस्तु त्वरण भी करती है। त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। दाहिने ओर दिए गए चलित चित्र एनिमेशन में इसी बात को सदिश बाण के जरिए दिखाया गया है। वो वस्तु जो एक समान वृत्ताकार गति से बढ़ती है उसकी विशेषता कुल बल होता है, जो कि बल इस प्रकार के वस्तुओं पर होता है वो उसे वृत्त के मध्य की ओर निर्दिष्ट करता है। इसी कारण कुल बल को आंतरिक या केंद्र की ओर जाने वाला बल कहते हैं। अगर ये आंतरिक बल न हो तो वस्तु सीधी रेखा में ही जाती रहेगी, अपनी दिशा को कभी नहीं बदलेगी। फिर भी आंतरिक बल जो वेग सदिश से लंबवत होता है, वस्तु निरंतर अपनी दिशा बदलती रहती है और आंतरिक त्वरण से गुजरती है। सारांश, हमने एक रेखीय एक समान गति और वृत्ताकार गति के बारे में जाना। अब आने वाले भाग में हम गति के नियमों के बारे में जानेंगे। Thank you.